सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। कई बार आपको नोटिस आता है सेक्शन 73 का, सेक्शन 74 का, और उस नोटिस में ये लिखा रहता है कि भाई जो आपका सप्लायर था उसने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको ITC रिवर्स करना है। तो जब आप उस नोटिस का रिप्लाई करते हैं या जब आप उसकी अपील में जाते हैं तो आपको एक काम एडिशनल करना चाहिए। सर क्या काम एडिशनल करना चाहिए? लेट सपोज करो मैं कपिल जैन हूँ और मैंने कोई सामान परचेज करा राहुल से, तो राहुल का GST नंबर तो आपके पास होगा। हाँ सर, राहुल का GST नंबर तो है हमारे पास, तो आप राहुल के GST नंबर से उसका वार्ड नंबर पता कर ले। सर उसका वार्ड नंबर पता करके क्या होगा, अगर भैया राहुल भी दिल्ली में है और तुम भी दिल्ली में हो, ठीक है ना, तो अगर आपके पास राहुल का GST नंबर है जिसने टैक्स जमा नहीं करा, उसका वार्ड नंबर पता करके आपको एक एडिशनल मेहनत करनी है। सर क्या मेहनत करनी है? आपको राहुल के GST ऑफिसर को एक लेटर लिखना है और उस लेटर में लिखकर बताना है, उस लेटर में लिखकर पूछना है कि भैया हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास GST डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि राहुल ने टैक्स जमा नहीं करा, राहुल आपका असेसी है, तो आप हमें बताओ कि भाई राहुल से आपने क्या रिकवरी करी। तो इस लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? इस फॉर्मेट बड़ा सिंपल होगा, जरा देख लो। हमने एक लेटर लिख के डिपार्टमेंट को दिया था डेट वी आर ए रजिस्टर्ड डीलर, हम रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है ना, GST डिपार्टमेंट में, और अब हम एक लेटर आपको दे रहे हैं कि आपने हमारे सप्लायर से क्या रिकवरी करी। और हमने इसमें लिखा कि भैया हमने कुछ गुड्स परचेज करे थे सितंबर 2017 में, अक्टूबर 2017 में, हमने उसका GST अमाउंट भी पेड कर दिया था, ठीक है ना। तो यहां पर हुआ क्या था, हमारे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और हमारे सप्लायर ने, जो हमारा राहुल नाम का सप्लायर था, अपनी वो सेल GSTR 1 में दिखाई, अपनी वो सेल GSTR 3 भी में दिखाई। तो अब हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे सप्लायर ने टैक्स पेड कर दिया होगा, ठीक है ना, हमारे सप्लायर ने टैक्स पेड कर दिया होगा। और अगर उसने वो टैक्स पेड नहीं करा है तो आप हमें लिखकर बताओ कि आपने क्या रिकवरी करी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन तो आपने कैंसिल कर दिया। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब आपने उससे रिकवरी भी करी होगी। तो यहां पर हम डिपार्टमेंट से ये लेटर लिखकर पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे को DY बेथल जो हमारा केस था उस हाई कोर्ट की जजमेंट में भी ये वाली बात लिखी थी कि द रिसीपिएंट विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सप्लायर, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि सप्लायर से रिकवरी होनी चाहिए। तो हमने ये वाला लेटर लिखा किसे, हमारे सप्लायर के GST डिपार्टमेंट को, उसके वार्ड ऑफिसर को, और हमने लिखा कि काइंडली रिक्वेस्ट टू काइंडली गिव इन रिटर्न फॉर्म दैट अ रिकवरी हैज बीन डन और नॉट। आप हमें ये लिखकर बताओ कि आपने रिकवरी करी है या नहीं करी। तो यहां पर जब हमने लेटर लिखा तो तुम्हें क्या लगता है इसका जवाब आया होगा? आंसर इज यस, इसका जवाब आया। जवाब में उन्होंने, डिपार्टमेंट ने लिखा इंक्वायरी रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ GST फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर। तो हमने उन्हें लेटर दिया था 13 मार्च को और उन्होंने 2 अप्रैल को हमारे को उसका जवाब दिया। और उस जवाब में क्या लिखा कि भैया हमने सेक्शन 73 में DRC 01 दे रखा है और फिर हमने ऑर्डर भी पास कर रखा है। अब जब हमने डिमांड ऑर्डर पास कर रखा है तो अब हम वहां से रिकवरी करेंगे। तो जब आप वहां से रिकवरी करोगे, ये वाली बात आप अपने लेटर में लिख कर दे रहे हो, तो क्या रिसीवर से रिकवरी होनी चाहिए? क्या डिपार्टमेंट दो दो रिकवरी कर सकता है? मुझे ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो क्या आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जब आपके पास नोटिस आ जाए सेक्शन 73 में, सेक्शन 74 में, कि तुम्हारे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करा, तो क्या आप उन्हें ऐसा लेटर भेजते हैं? अगर आप उन्हें ऐसा लेटर नहीं भेजते तो भैया ऐसा लेटर भेजना शुरू करो और उस लेटर का आप उनसे जवाब मांगो। सर हमें तो कोई जवाब नहीं देता। भाई उन्हें वो जवाब देना पड़ेगा। देखो यहां पर उन्होंने जवाब दिया है या वो लिख कर देंगे कि भाई हम जवाब नहीं दे सकते। तो यहां पर इस बात को आपको समझना है कि जब भी कभी मेरी परचेज पर क्वेश्चन उठे
मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करा, तो आप डिपार्टमेंट पे भी क्वेश्चन उठाओ कि एज पर सेक्शन 29 अगर उसका रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल कर दिया तो क्या आपने रिकवरी करी या नहीं करी। आपको तो रिकवरी करनी थी। अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो हमारा नया बैच आ रहा है, गुरु द्रोणाचार्य बैच। सर ये कब से आ रहा है? सर ये 8 दिसंबर से आ रहा है। 8 दिसंबर हर संडे 3 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। तो इसकी एडवांस बुकिंग चालू है। इसके अंदर पूरा GST का कोर्स होगा और जो ट्रिब्यूनल के अंदर प्रैक्टिस कैसे करें उसकी भी डिटेल इसके अंदर होगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उस क्लास को ऐप के थ्रू देख भी सकते हैं और लाइव क्लासेस जूम ऐप पर आप मेरे थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर ले, आपको ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सर ये तो बड़ा दूर है, मुझे तो अभी GST सीखना है। तो अभी वर्तमान में जो हमारा अर्जुन कोर्स चल रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि वो कोर्स लगभग 80% फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको वो लेना है तो वो ले सकते हो रिकॉर्डिंग कोर्स में, और अगर आपको लाइव कोर्स लेना है तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डिंग में गुरु द्रोणाचार्य बैच ले सकते हो। ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।